मामला बाग थाना अंतर्गत डेहरी चौकी का सामने आया है, जहां विगत दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि डेहरी चौकी का एक पुलिस जवान बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता के साथ झूमा झपटी कर रहा था और महिला चिल्ला रही थी कि मेरे खेत में हल नहीं चलाऊंगी तो कहां चलाऊंगी, आप कौन होते हो तो रोकने वाले। इस वीडियो को बाद कुक्षी बाग गंदवानी अंजड़ और डेहरी के कुछ पत्रकार संबंधित प्रताड़ित बुजुर्ग महिला और उनके लड़के के पास मामले की जानकारी लेने पहुंचे, जहां बुजुर्ग महिला मिश्रीबाई ने बताया कि मैं अपने खेत में बुआई कर रही थी, तभी डेहरी चौकी के बड़े साहब और दो पुलिस जवान एकदम मेरे पास दौड़ कर आए और हिलते हुए ट्रैक्टर को रोकने लगे। जब मैंने कारण पूछना चाहा तो मेरे साथ भी झूमा झपटी और अभद्रता करने लगे, जबकि ये हमारा निजी खेत है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर है हमें खेती करने से रोक रही है, ये समझ से परे है। वहीं बुजुर्ग महिला के लड़के युवराज ने बताया कि मेरी माँ अपनी निजी भूमि पर बोनी का कार्य करवा रही थी, तभी चौकी प्रभारी उपाध्याय और पुलिस जवान आए, तब मैं अपनी फोटो स्टूडियो पर बैठा था, मैंने देखा कि माजरा क्या है तो देखा पुलिस जवान मेरी माँ को खेती करने से रोक रहे थे और चौकी प्रभारी भी ट्रैक्टर वाले को चिल्ला रहे थे, तभी मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो चौकी प्रभारी बोलते हैं तू भी बना ले मैं तेरा वीडियो बनाता हूँ। इस प्रकार पुलिस की इस दबंगईता से मेरा परिवार भयभीत है। मेरे खेत में मैं बोई रही थी, साहब लोग आए ये ट्रैक्टर वाले को खड़ा कर दे यहाँ बाहर निकल, नहीं तो एक लड़ चकर लड़ दो। मैं वहाँ पीछे खड़ी थी, वहाँ से मैं दौड़ते कि साहब गरीब आदमी पकड़ कर ले जाएगा फालतू काम का, यही ट्रैक्टर यहीं खड़ा था। मैं दौड़ कर आई, उसको क्या साहब तुम हाथ मत लगाओ इसको, मैं हूँ जमीन के मालिक मैं हूँ, बचपन से मैं जब से जमीन में घेर रही हूँ, इस बच्चे को पकड़ के क्या करोगा तुम, मैं चलती हूँ तुम कहाँ ले जाओ, चलो पकड़ो इसको पकड़ घिस कर ले जा। पुलिस ने आपके साथ झूमा झट कर करी क्या? पुलिस ने तो नहीं, वो सामने करी, वो निकल तू यहाँ से बाहर निकल, इधर आ के तो क्या समझा क्या, वो लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं होती, वो था ये यहीं का चौकी। हाँ चौकी प्रभारी एमपी वर्मा थाना प्रभारी पर। सर जो डेली का मामला है जिसमें कोई जमीनी विवाद है, क्या मामला है सर? ये जमीन कोई विवाद के संबंध में सूचना आई थी कि वहाँ झगड़ा होने की संभावना है, तो मैंने चौकी प्रभारी को बोल कर देखा था, देखो वहाँ कोई विवाद ना हो जाए, तो हमारा चौकी प्रभारी गया था वहाँ समझा बुझा के आ गया था, कोई विवाद मत करना, वो विवाद रोकने के लिए हमने भेजा था, हमारा और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। किसकी ज़मीन है वो न्यायालय जाने, तहसील जाने, तहसील से कब्जा लें, तहसील उनको बताए या उनके केस भी चल रहे हैं कोर्ट में, कोई विवाद ना हो कि विवाद होने की संभावना है तो मैंने अपने चौकी प्रभारी दे दिया। सर जी वो जगह तो उनकी खुद की बता रहे, जगह हमारी जगह वो किसकी है ये पटवारी जाने, तहसीलदार जाने, हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड रहता है। सुनना है कि नहीं कि महिला के साथ छेड़खानी की, जबकि आपके छेड़खानी हम बुजुर्ग आदमी छेड़खानी करेंगे, जबकि आपके साथ महिला कॉन्स्टेबल भी नहीं थी। मेरा हम अब 62 साल की उम्र में किसको हम क्या करेंगे छेड़खानी की, तुम गलत। सर जी महिला पुलिस होना जरूरी था वहाँ पर जब महिला थी, तो अब वो ऐसा मालूम होता कि महिला झगड़ रही तो पर महिला बुलवा के देख देते हैं।